आरटीओ विभाग द्वारा वाहनों की पासिंग के नाम पर पैसों का खेल खेला जा रहा है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पासिंग के दौरान ज्यादातर वाहनों को पास कर दिया जाता है, लेकिन सीटीएम की निगरानी में हुई वाहनों की पासिंग में 150 में से केवल 21 वाहनों की पासिंग की गई। पासिंग के दौरान 6 स्कूली बसें भी आई जिन्होंने भी नियमों का पालन नहीं किया था, जिससे साफ है कि बाकी दिनों जब पासिंग होती है तो नियमों को ताक पर रखकर पासिंग की जाती है और पासिंग के नाम पर पैसों का खेल खेला जाता है। तो आज टोटल करीबन 150 व्हीकल के आसपास मतलब पासिंग के लिए मेरे सामने आए थे, जिसमें से केवल 21 व्हीकल ही जो अपने सभी नॉर्म्स फुलफिल करते थे वो मैंने पास किए हैं, और जिसमें से 5-6 स्कूल की बसें भी आई थी वो भी पूरा क्राइटेरिया जो नॉर्म्स हैं जो पूरे नहीं करते थे तो उनको डायरेक्शन दी गई है भाई क्या नाम है आप अपना जितना भी ये जो है ना सारा डायरेक्शन फॉलो करके कंप्लीट अपना ये सारा करा के तब आप पासिंग के लिए लेकर आए। तो जब आप जैसे वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी नहीं जाते हैं तो जब वैसे वहाँ पासिंग होती है तो लगभग सभी व्हीकल को वहाँ से पास किया जाता है, तो लगता नहीं कि आपको पासिंग के दौरान एक बड़ी धांधलीबाजी की जाती है वहाँ पे? देखो ऐसा है, इस बारे में तो मेरे को थोड़ा ज्ञान है नहीं, क्योंकि मेरे सामने जब इस तरह की बात आई तो मैंने अपना पूरा ध्यान रखा इसमें, कोई मेरे संज्ञान में भी ऐसा कोई मामला है। तो ये रूटीन में आप चेकिंग रहेगी आपकी जारी, क्योंकि जिस तरह से जो वाहन फुल पूरे नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं वो भी पास कर दिए जाते हैं? नहीं, वो तो मैं जब तक मैं अपनी पासिंग अपनी मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी, मैं एक भी व्हीकल जो पूरे नॉर्म से फुलफिल नहीं करता होगा बिल्कुल भी नहीं उसको निकलने दूंगा। ठीक, उसके